बोलो, रिकॉर्ड हो रही है लेकिन फिर भी अभी इतना नहीं है ठीक। हाँ नया फोन है। आपकी पार्टी आपकी तरफ से। पक्का 100% पक्का? हाँ लिंक शेयर कर रहा हूँ, रुको। क्या क्या? ओके मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जुड़ जाइए फटाफट, लिंक शेयर किया है अभी। आज छोटा सेशन है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मुझे दूसरा सेशन है, तो एक छोटा सा सेशन लेंगे आज एक घंटे का। अब तबीयत रिकवर हो रही है साक्षी जी, काफी हद तक रिकवर हो गई है। अच्छा मॉक अपने क्लास का जो टेस्ट दिया था कितने कितने मार्क्स आ गए बताओ दोस्तों, आप लोगों के कितने मार्क्स आ गए? क्यों, तो ऑफिस में पूछने का था ना फिर? यस सिलोजिज्म आज करवाने वाला हूँ खुशबू जी, सिलोजिज्म आज करवाने वाला हूँ। नहीं शशांक जी नहीं, वो नहीं करवाता मैं, सिलोजिज्म आज होगा। समीरन रिकवर हो रही है। अरे आदित्य जी कुछ भी, 151 आए, नाइस शुभम 130, वैष्णवी 130, निशिका 136, खुशबू 165, समीरन 166, अथर्व 110, विदिशा 142, काव्या 153, दिव्या 156, रिशिता 123, काव्य 138, अशी 155, 131, 140, वेरी गुड 136। क्या बात है, 166, 165, 164, 177, 166, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है आप लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग तूफानी तरीके से मार्क्स लेके आए हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये तो चैट में चैट बॉक्स में दिख रहे हैं ना, मेरे को क्या पता बोल रही है, अजीब ही है ये लड़की। लिख रहे हैं, यही बोल रहा हूँ। आदित्य प्रजापति बोल रहे हैं 200 मार्क्स आ गए बोले, मेरे 200 आ गए सच में, अब 199 आगे बोल रहा आप, 203 का एग्जाम था। अच्छा ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे क्या? यस अथर्व जी बिल्कुल पास हो जाएगा, क्यों नहीं होगे। अरे प्रशांत किधर है आजकल, अपना घर गया है क्या वो अयोध्या?
ओके चलिए दोस्तों स्टार्ट करेगा। आज मैं आपको लगभग 4 या 5 टॉपिक करवाने वाला हूं। पहला टॉपिक हम करेंगे नंबर सीरीज, उसके बाद करेंगे सिलोजिज्म। कुछ लोगों को दिक्कत जाता है वो, तो सिलोजिज्म करेंगे। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट एक कर लेंगे, तीसरा वाला। फिर क्या क्या, हाँ हो जाएगा, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चंस करेंगे ना, मतलब रिवाइज हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और कॉज एंड इफेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 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 चलिए, चलिए ज्वाइन करना फटाफट। दोस्तों पहले नंबर सीरीज और बीच में एक आध क्वेश्चन मैं खुद होम कुक्ड बना के दूंगा आपको, होम कुक्ड नहीं, आपके सामने ही पका के दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, अरे ये लिख क्यों नहीं पा रहा हूं मैं, रुको। चलिए दोस्तों, अरे ए मित्रा सॉल्व कर, चल वो तो क्या क्या, मैंने नहीं देखा वो, ये सॉल्व करो। चलो पहले ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये सामने क्वेश्चन रखा है 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क। कैसे कैसे, ये +5 फिर +10 +15 +20 और फिर अगला +25 करेंगे, 56 +25 81 ऑप्शन सी बराबर। चलो अब एक क्वेश्चन मैं खुद बनाकर आ जा रहा, इधर आ जाओ, आप खाना बाद में खाओ। हाँ अब एक क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूं आपको, ठीक है, अब देखते हैं आपको आता है क्या। चलिए सॉल्व दिस वन, ये मैंने आपके सामने अभी अभी पकाया है क्वेश्चन, आप आंसर बताओ रे मुझे क्या। नहीं नहीं आप सॉल्व करके बताओ मुझे ठीक से, क्या 56 नहीं है रे, 57 है, सॉल्व करके बताओ। देखते हैं अब कौन कितने पानी में है, देखते हैं। चलो 172 मार्क्स कर सॉल्व। राधिका ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, आपको सॉल्व करना है, बता क्या है। 112 गलत है, कुछ भी कुछ भी मत बता। नहीं नहीं 122 गलत गलत गलत, 81 गलत। नहीं 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 ठीक से सॉल्व करो रे, ठीक से सॉल्व करो, ऐसे क्यों गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो। 122 गलत है, 63 गलत है। हाँ क्या, नहीं नहीं बराबर है, जो क्वेश्चन लिखा है वो बराबर है। कितना, 229 गलत। क्या क्या, नहीं नहीं
229 गलत है रे, 173 गलत है। क्या एक भी सही नहीं दे रहे हो, क्या हो रहे हा? कैसे कर रहे हो? नहीं नहीं 227 नहीं, कुछ भी नहीं, 170 गलत। ये क्या आंसर से 79, 73, 72 सब गलत है। अभी तक किसी ने भी सही नहीं दिया। सिया अग्रवाल यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, अभी तक एक ही सही जवाब आया है। कितना गलत? अर्थ 186 गलत, 284 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है? ये है इंटू टू प्लस वन है बराबर, आगे क्या है इंटू थ्री माइनस वन है। हाँ बोल रहे हैं आप, अब क्या फायदा? फिर आंसर कैसे नहीं आ रहे आपके? हाँ मैंने बताने के बाद ही बोलती बराबर, वो इंटू फोर प्लस वन है। फिर देखो इंटू टू प्लस वन इंटू थ्री माइनस वन इंटू फोर प्लस वन, फिर उसके बाद क्या रहेगा? हाँ इंटू फाइव माइनस वन, तो 57 इंटू फाइव माइनस वन करो बरा कितना आता है। कैसे फंसते हो रहे आप लोग ऐसे? हाँ इतना प्रैक्टिस करवाया मैंने फिर भी फंसते। हाँ आप बोलते 284, हाँ बोले आप क्या है? नहीं ऐसे थोड़ी चलता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे फंसते रहे ऐसे, इतना सिखाने के बाद भी फंसते तुम लोग। कट्टी आप लोगों से कट्टी ऐसे कैसे फंसते। चलो आप फंसना नहीं है, अब फंसना नहीं है ठीक से। अब हाँ करो सॉल्व, इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएगा, मैं जस्ट पूछ रहा हूं। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, मेरी तरफ से आपको अलाउ है। कितना? 846 पक्का? देखते हैं। नॉइज आ रहा है? रुको लेट मी चेक। नहीं मेरे फोन पे तो ठीक है। कितना? 1353। अब आंसर बदल दिया क्या तूने? हाँ हाँ क्या बोल रही हो? बताओ फिर बताओ। अलग अलग आंसर दे रहे हैं भाई यहाँ पे। 2705 बोल रहा है, 365, 1014, 23105। अरे आप लोगों का चिल्लाने की वजह से ये लोग परेशान हो गए ऑनलाइन। बहुत आवाज शोर मचा रहे हो बोले आज। 2705 कैसे? पहले क्या किया? इंटू टू प्लस वन किया क्या? फिर इंटू फोर प्लस वन, इंटू एट प्लस वन है ये, फिर इंटू 16 प्लस वन करना पड़ेगा।
169 into 16 करो बरा 2705 आंसर आता है क्या 2705 ये आंसर तूने बताया था इसने बताया था उसके मन में ही रखा था आंसर जैसे हमने आंसर बता दिया उसने बता दिया फिर हाँ वो लॉजिक बता रही थी फिर इंटू टू फोर प्लस वन है इंटू फोर प्लस वन इंटू एट मतलब वो टू फोर एट फिर सिक्सटीन करना पड़ेगा बराबर क्या देखो कैसे होम कुक क्वेश्चन कैसे रहते हैं मजेदार नहीं तो पीयूष जी इतना बड़ा आंसर नहीं है ये क्या बता रहे हो 2704 सैयद बोल रहे मैंने बताया पहले बोले सबसे गुड यहां पे तो लोगों का अलग ही चलता गायत्री को बुलाओ बोल रहे हैं यहां पे मतलब कहा एग्जाम आ गई है नजदीक यहां पे इनके अपने अलग ही जोन में रहते वो है ना नहीं एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं आ लाओ क्या 420 इसका आंसर 420 गलत है हाँ ये भेजता हूँ पीडीएफ विष्णु जी बिल्कुल भेजता हूँ अलग ही मतलब वो दीपक जी तो यहाँ पे जोड़ी लगाने के लिए आए हैं खुद की जोड़ी जमाओ है ना अलग ही जोन में है वो मतलब एग्जाम आ गया है यहाँ पे उनको लग रहा कि यूनिक एकेडमी में यहाँ पे मतलब मैच मेकिंग कराया जाता है ऐसा ऐसे जोन में है वो आंसर क्या 430 है क्या कैसे प्लस 90 है प्लस 100 है प्लस 110 है फिर प्लस 120 करना पड़ेगा तो 310 प्लस 120 430 आएगा डी ऑप्शन है ना बराबर क्या जम गई है बात चलो और एक आपको देता हूं ऐसे ही बना के ठीक है और एक बना के दू कैसे ही देखते फिर कैसे जमता किसको ठीक है बोलो अब माइक प्रॉब्लम है इज इट अरे आप लोगों को चुप रहने के लिए बोल रहे वो अरे ये चुप होने का नाम नहीं ले रहे आज बहुत शोर मचाने के मूड में है वो कुछ भी चलो सॉल्व दिस वन देखते किसमें है दम किसमें कितना है दम देखते हेलीकॉप्टर जैसे आवाज आ रहा है चलो सॉल्व दिस वन देखते इसमें है दम क्या खेला खत्म कुछ भी खेला खत्म 112 रॉन्ग 25 रॉन्ग अब ऑनलाइन स्टूडेंट ने कुछ लोगों ने आंसर सही बताना चालू कर दिया वेरी गुड वन क्या कुछ भी है 18 बोले
खेला हो गया तुम्हारा, खेला खत्म हो गया। करेक्ट आंसर इज 144। मेरा अभी अभी क्या बोलने के बाद, हाँ अभी क्या बोलने के बाद, क्या कैसे लॉजिक क्या है, कैसे कैसे कैसे, पहले इंटू वन है, फिर इंटू फोर है, फिर इंटू नाइन है। दोस्तों ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, टू के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, थ्री के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर फोर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 × 16 आंसर आ जाएगा 144। एग्जाम में कैलकुलेशन ओरली करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। बराबर, क्या समझा है? ऐसे अलग क्वेश्चन दे दिए कि आप चुप ही हो जाते हो। चलो ये करो, अब ये तो आप दोगे आंसर, लड्डू वाला, लड्डू वाला। अरे आप लोगों का नहीं, आज पता नहीं इनका आवाज इतना कैसे आ रहा है, रोज इतना आवाज जाता नहीं है ऑफलाइन स्टूडेंट्स का, पता नहीं है इनका आज आवाज इतना क्यों उससे जा रहा है, पता नहीं माइक में कुछ गड़बड़ है। बोलो, थर्टी वन कैसे, प्लस टू प्लस फोर है क्या, प्लस टू प्लस फोर, प्लस टू प्लस फोर, प्लस टू प्लस फोर, फिर प्लस टू करेंगे अगला, ये इजी है। इतने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, है ना, मतलब हम पास हो जाएंगे। आप जैसे क्वेश्चन पूछते हो वैसे पूछेंगे तो गए फिर, हाँ ठीक है 31 ओके ठीक है। तो मतलब नंबर सीरीज आपको आइडिया आ गया, कुछ अलग क्वेश्चंस भी करवाए। अब मैं आपको ये सिलोजिज्म करवाता हूं, दो क्वेश्चंस करवाऊंगा ध्यान से, लेकिन वेदर आई शुड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन दो क्वेश्चंस, या आप कोशिश करोगे, मतलब ट्राई करते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताओ कि वेदर यू वांट टू ट्राई और वेदर यू वांट मी टू टेल डायरेक्टली। अच्छा आपका कहना है ट्राई करते हैं, नहीं आया तो मतलब मैं तो डिस्कस करने वाला हूं ही, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा समय देता हूं सॉल्व करने के लिए। ओके ओके ओके, काफी लोग बोल रहे हैं हम ट्राई करेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है चलेगा। मैं तो एक्सप्लेन करने वाला हूं ही, बट आप पहले कोशिश करना, जिनको भी नहीं आएगा या गलत हो जाएगा वो मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद समझ ही जाएंगे, ठीक है ओके। चलिए 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 चलिए, ये लीजिए ध्यान से, हाँ ध्यान से, गड़बड़ मत करो। फैजान उसके लिए कैलेंडर के लिए आपको आशीष सर के देखने हैं वीडियोस, वही करना है, क्योंकि आप मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो वो सब कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक से गड़बड़ मत करो, टेक योर टाइम टेक योर टाइम टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करना। अब आंसर बदल देते हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, टेक योर टाइम ना। मैं कहाँ भाग के जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना आप टाइम ले लो। हाँ आपका कहना है बोथ रॉन्ग, ओके ओनली टू इज करेक्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं फर्स्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं, विल चेक इट, बोथ रॉन्ग पक्का, अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं, अलग अलग आंसर्स। ओके ओके
चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ध्यान से, हाँ ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट करना, आप कॉन्सेंट्रेट करो. सम बॉयज आर स्टूडेंट, ये पहला है. तो बॉयज और स्टूडेंट के सर्कल कैसे होने चाहिए? इंटरसेक्शन बराबर. तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं बॉयज का सर्कल और स्टूडेंट का सर्कल इंटरसेक्शन, ठीक है. उसके बाद दूसरा क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स. तो इसका मतलब स्टूडेंट और इंजीनियर का सर्कल एक तो सेम ही होना चाहिए, नहीं तो एक के अंदर एक बराबर. तो पहले इसमें मैं दोनों सेम ही दिखा देता हूं, स्टूडेंट और इंजीनियर एक ही दिखा दिया. या फिर दूसरा डायग्राम ऐसा हो सकता है, बॉयज स्टूडेंट्स इंजीनियर, करेक्ट है, इज इट करेक्ट? ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर, तो स्टूडेंट्स का सर्कल अंदर होना चाहिए, है ना, इंजीनियर का सर्कल बाहर होना चाहिए. यहां तक समझाए, डायग्राम्स क्लियर? डायग्राम में किसी को दिक्कत है तो बोलो, डायग्राम परफेक्ट? आगे चलू एक्सप्लेनेशन दू. फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल इंजीनियर्स आर स्टूडेंट्स. वेट, ऑल इंजीनियर्स आर स्टूडेंट्स, इसके लिए सारे डायग्राम्स में क्या होना चाहिए? एक तो इंजीनियर और स्टूडेंट का सर्कल सेम होना चाहिए, नहीं तो इंजीनियर का सर्कल अंदर और स्टूडेंट का सर्कल बाहर होना चाहिए, बराबर. ऐसा है क्या? पहले डायग्राम में तो दिख रहा है स्टूडेंट और इंजीनियर का सर्कल सेम, लेकिन दूसरे डायग्राम में क्या होना चाहिए? इंजीनियर का सर्कल अंदर होना चाहिए और स्टूडेंट का सर्कल बाहर होना चाहिए. ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, बराबर. दूसरे पे आते हैं, सम बॉयज आर इंजीनियर्स. अब उसके लिए बॉयज और इंजीनियर का क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन. दोनों डायग्राम में है क्या बॉयज और इंजीनियर का इंटरसेक्शन? ये देखिए, पहले डायग्राम में बॉयज और इंजीनियर का इंटरसेक्शन है और दूसरे डायग्राम में बॉयज और इंजीनियर का इंटरसेक्शन है, मतलब दूसरा करेक्ट है. ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट. समझा है क्या? जम गई बात? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए. सबका आना चाहिए, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू. समझाए तो जस्ट थम्स अप कर देना, मतलब मैं आगे चल सकता हूं. ओके परफेक्ट. देखो, ऑल इंजीनियर्स आर स्टूडेंट्स, ये गलत क्यों हुआ? ये क्या रीजन है, ये गलत क्यों हुआ? ऑल इंजीनियर्स आर स्टूडेंट्स, एक तो इंजीनियर और स्टूडेंट का सर्कल सेम होना चाहिए, नहीं तो इंजीनियर का अंदर होना चाहिए, स्टूडेंट का बाहर होना चाहिए. यहां पे इस डायग्राम में तो दोनों एक है, लेकिन यहां पे क्या है, स्टूडेंट का अंदर है, इंजीनियर का बाहर है. ऑल इंजीनियर आर स्टूडेंट मतलब इंजीनियर का अंदर होना चाहिए, तो इसलिए पहला गलत हो गया. और दूसरा, सम बॉयज आर इंजीनियर्स, इसका मतलब बॉयज और इंजीनियर का दोनों डायग्राम में इंटरसेक्शन होना चाहिए. पहले डायग्राम में बॉयज और इंजीनियर का इंटरसेक्शन है, दूसरे में भी इंटरसेक्शन है, मतलब दूसरा करेक्ट है. आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व दिस वन. अब इसके लिए भी आपको टाइम देता हूं, आराम से सॉल्व करना. ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, ऐसा कहना है आपका. ओके देखते हैं. सभी लोग सॉल्व करना. कुछ लोग बहुत रॉन्ग बोल रहे हैं. कुछ लोग बी सही बोल रहे हैं, आप फर्स्ट सही बोल रहे हो. ओके लेट अस चेक. ऑल लोटस आर फ्लावर्स,
तो कैसे होना चाहिए सर्कल्स? एक के अंदर एक, नहीं तो एक। तो मैं पहला डायग्राम में लोटस को अंदर दिखा देता हूं, फ्लावर्स को बाहर दिखा देता हूं, चलेगा ये? या फिर दोनों सेम ही सर्कल, लोटस इक्वल टू फ्लावर, ठीक है? उसके बाद नो लिली इज लोटस, लिली और लोटस के सर्कल कैसे होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या करता हूं, पहले डायग्राम में लिली ये जो सर्कल है ये टोटली सेपरेट दिखा देता हूं, टोटली सेपरेट दिखा दिया। या फिर एक काम करता हूं, यहां पे नहीं, यहां पे दिखाता हूं, लिली और लोटस टोटली सेपरेट दिखा दिया। और एक डायग्राम में लिली और फ्लावर का इंटरसेक्शन करवा देता हूं, चलेगा ना? क्योंकि फ्लावर और लिली का रिलेशन पता नहीं है, तो वो सेपरेट भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, बराबर? अब देखना पहला कंक्लूजन क्या है, नो लिली इज फ्लावर, मतलब लिली और फ्लावर का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों सेपरेट होने चाहिए, दोनों डायग्राम। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, मतलब पहला गलत, इसमें तो अलग अलग दिख रहा है लेकिन इसमें इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो मतलब पहला गलत, दोनों डायग्राम में होना चाहिए। दूसरा क्या है, सम लिलीज आर फ्लावर्स, सम लिलीज आर फ्लावर्स, कुछ लिलीज फ्लावर्स है, तो ऐसा है क्या, सम लिलीज आर फ्लावर्स? अच्छा देखो, हाँ ये एक टिपिकल क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है आपको। तो सम लिलीज आर फ्लावर्स, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन होना चाहिए। इस डायग्राम में तो इंटरसेक्शन है लेकिन इसमें नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाना चाहता हूं, आप यहां पे ऑप्शन आ जाएगा ईदर वन और टू इज करेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब अलग टाइप का कंसेप्ट है ये, और इसमें ऐसा क्यों है इसका रीजन बताता हूं, शांति से समझिए आप। यहां तक क्लियर है क्या? ये जो अभी तक हुआ है ये क्लियर है क्या? इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं, सो उसके लिए रुकना, लेकिन यहां तक क्लियर है क्या, बोलो? अभी तक दोनों गलत हुए हैं ये तो समझा है। अब देखना, जब भी कंक्लूजन्स कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, कंक्लूजन्स कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूजन नो लिली इज फ्लावर, और दूसरा क्या बोल रहा है, सम लिलीज आर फ्लावर, वेदर दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी, वेदर दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना? अब मैं आपके लिए बोलता हूं, सपोज मान के चलना आप में से कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, ये एक स्टेटमेंट बोला, क्या बोल रहा हूं मैं, आप में से कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, और दूसरा बोला मैंने आप में से कुछ स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या? तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है ना, आप में से कोई भी फेल नहीं हुआ, नहीं तो आप में से कोई तो फेल हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, तो ईदर वन और टू। तो जब भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगा ना, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो दोनों में से एक तो सही होने ही वाला है, कौन सा होगा पता नहीं, लेकिन दोनों में से एक ना एक, मतलब आप में से कोई भी फेल नहीं हुआ, एक तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो आप में से कुछ लोग फेल हो गए, ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही, बराबर? तो जब भी ऐसा नो लिली इज फ्लावर या सम लिलीज आर फ्लावर, तो ये एक काम करना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर यहां पे जो लोग हैं फेस टू फेस बैठे हुए इसका फोटो निकाल लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी रहे तो आपका आंसर होना चाहिए ईदर वन और टू।
राधिका जी, एक डायग्राम में इंटरसेक्शन क्यों करवाया? क्योंकि फ्लावर और लिली इसका रिलेशन दिया नहीं है ना, तो इट कैन बी एनीथिंग, इसलिए इसलिए। हाँ, ये क्वेश्चन आने का चांस रेयर है, मतलब रेयरली ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा ना हो जाए कि वो क्वेश्चन आ गया। और देखो, और एक चीज समझना, एक चीज समझना, जब भी आप एक काम करो एग्जाम में, मैं क्या बोलता हूं ध्यान से सुनिए, एग्जाम में ना दोनों कंक्लूजन पढ़ो, और ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी दिख जाए ना, आंख बंद करके वो इधर वन और टू वाला मार्क कर देना, आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंख बंद करके जैसे नो सेम लिली फ्लावर, लिली फ्लावर दोनों के लिए, एक में बोल रहा है नो, एक में बोल रहा है सम, लेकिन कब करना है ये, कब करना है, जब दोनों कंक्लूजन में सेम चीज है, लिली फ्लावर, लिली फ्लावर, और एक में नो दिया है और एक में सम दिया है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो वहां पे आंख बंद करके आप इधर वन और टू मार्क कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन केयरफुली पढ़ना, ऐसे रैंडमली यहां पे नो दिया है, यहां पे सम दिया है, लेकिन लिली फ्लावर के जगह पे कुछ अलग दिया है, दोनों में लिली फ्लावर ही होना चाहिए, मतलब कैट डॉग ही होना चाहिए, लिली फ्लावर सेम ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, सिद्धि बोल रही है एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे? आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, दिमाग में ही चला रहे हो सब कुछ, बस वही करना है सिद्धि जी, इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सिटिंग अरेंजमेंट वाला एक कर लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट में देखो क्या बोला है। हाँ, वेट वेट, क्वेश्चन लेने के पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, क्वेश्चन लेने के पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। सिटिंग अरेंजमेंट में जब सर्कुलर टेबल में अरेंज करते हैं तो राइट साइड मतलब कैसे प्रोसीड करते हैं हम? राइट एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट क्लॉकवाइज, ये दो चीजें मेनली याद रखनी है। राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे, और लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, बस। ये अगर दिमाग में फिट रखा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन सामने रखूं, आप सॉल्व करोगे या मैं एक्सप्लेन करूं? आप सॉल्व करोगे, ठीक है, लीजिए। आपको क्या लगता है? बोथ करेक्ट, ओके, देखते हैं। सिर्फ सेकंड राइट है, फर्स्ट रॉन्ग है ऐसा कहना है, ओके, देखते हैं। बोथ राइट ऐसा कहना है आपका, ओके। यहां पे भी काफी लोग बोथ करेक्ट बोल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है ओनली वन इज करेक्ट। बोथ राइट ऐसा कहना है आपका, ओके ओके। कुछ लोग बोथ, मैक्सिमम लोग बोथ बोल रहे हैं करेक्ट है, कुछ लोग सिर्फ एक बोल रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। C is seated next to A. Now, what is meaning of next? बाजू में, बाजू में। वो राइट साइड में भी हो सकता है, नहीं तो लेफ्ट साइड में हो सकता है, पता नहीं है वो। तो एक काम करते हैं, मैं A को यहां पे लेता हूं, तो C को मैं यहां पे लूं, उसके बाजू में।
वो सी लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, पता नहीं, मैं रैंडमली लेके रख रहा हूँ फिलहाल, टाइम के लिए मैं अभी ऐसा ही रैंडमली ले रहा हूँ। ए इज सीटेड टू सीट्स फ्रॉम डी, इसका मतलब क्या? ए और डी के बीच में एक इंसान, ए और डी के बीच में एक इंसान, तो मैं यहां पे डी को ले लेता हूं, मतलब उसके बीच में सी को रख दिया, ठीक है। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, बी ये ए के बाजू में नहीं है, तो कहने से ये डी के बाजू में बी रख दिया और फिर ए के बाजू में ई रखा, चलेगा? इज इट ओके? या फिर ये डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, कह रहे दोस्तों ये देखिए, ये ए को मैंने यहां पे रखा, सी को मैंने लेफ्ट साइड में लिया, चलेगा? डी यहां पे, उसके बाद बी यहां पे और ई यहां पे, इज इट ओके? ये भी चल जाएगा, बराबर। अब क्या है देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू बोला है। डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, इसका मतलब क्या है? डी के बाजू में बी होना चाहिए। पहले डायग्राम में देखो है, दूसरे डायग्राम में है, मतलब पहला 100% करेक्ट है। दूसरा क्या है, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई ए के बाजू में है, यहां पे है और यहां पे भी है। अच्छा, मतलब दोनों करेक्ट है, बोथ करेक्ट, परफेक्ट है क्या? जम गई बात, इजी है मतलब। तो देखो, जब मैंने क्लास में करवाया था तो आपको उस टाइम पे दिक्कत हो रहा था कि आप इतना बड़ा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और आप समझ सकते हो अभी आपने बिना पेन पेपर के ही किया है, सो इजीली यू कैन डू दैट। आपने क्या कहा था आंसर? बोथ रॉन्ग का, बोथ करेक्ट, हाँ सही है, फिर बोथ करेक्ट बोला है, सही है, यस बोथ करेक्ट इज करेक्ट। है ना, यस परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, मतलब अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, नंबर सीरीज किया, सिलोजिज्म किया, और ये सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया है, ठीक है। हा, कॉज एंड इफेक्ट बताना, कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, बस ये दो क्वेश्चंस करवा रहा हूं आज, फिर रुक जाएंगे अपन। बताओ, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है? सेकेंड कॉज, फर्स्ट इफेक्ट, पक्का? लास्ट दो क्वेश्चन, लास्ट दो क्वेश्चन, बराबर। सेकेंड कॉज, फर्स्ट इफेक्ट, पहला स्टेटमेंट क्या है? प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर, वेजिटेबल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। There is tremendous increase in temperature during this summer, thereby damaging crops greatly. अच्छा, crops damage होने के वजह से क्या हो गया होगा? हाँ, मतलब supply कम हो गया होगा, demand तो ज्यादा है ही, demand बढ़ेगा तो prices भी बढ़ेंगे, तो second वाला cause है और पहला वाला उसका effect है, परिणाम है, बराबर? Yes, everyone is saying second cause, first effect, very good. और एक क्वेश्चन करवाता हूं, चलिए। हाँ, सेकंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट कह रहा है, ओके। It is the aim of city's civic authority to get air pollution reduced by 20% in next 2 months. मतलब city के civic authority का क्या target है? Pollution को 20% से कम किया जाए। Number of asthma cases in the city are constantly increasing. अच्छा, ये asthma cases increase हो रहे हैं, ये कारण बन गया है, और उसके वजह से उन्होंने target set किया है के पोल्यूशन कम करवाना है, तो सेकंड कॉज है, फर्स्ट इफेक्ट है, डन, परफेक्ट, जम गई बात। तो मतलब ये हमने कर लिया है, ठीक है, ओके शशांक जी, देखता हूं मैं, बोलता हूं, ठीक है। सेकंड कॉज, फर्स्ट इफेक्ट, तो चार टॉपिक्स अब हमने कर लिए हैं। अब जो बचा हुआ पार्ट है, आज अचानक से, आज एक्चुअली मेरा सेशन नहीं था,
तो इसलिए मेरा दूसरा सेशन के प्लानिंग थे मेरे, लेकिन अचानक से मोदी सर की तबीयत जो कि ठीक नहीं है उसकी वजह से आज मुझे सेशन लेना पड़ा। तो मैंने एक सर्टन बीच में टाइम निकाल के आपका सेशन लिया है। अब बचा हुआ जो पार्ट है कुछ टॉपिक्स अब हमारे बचे हैं, तो वो और एक सेशन लेके कंप्लीट कर देंगे अपन। एक सेशन कब होगा ये आपको हम ग्रुप पे डाल देंगे, बता देंगे, ठीक है। कल आपका कम्युनिकेशन का मैराथन है, बराबर, परसों आपका टेस्ट है। तो कल तारीख है 8, परसों 9, 10 को वगैरह हम कौन सा, अच्छा ओके, तो वो देखते हैं हम कब करेंगे, एक हाथ सेशन लेके हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हाँ रुको,